तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। आप सभी भाई लोगों का स्वागत है। और आज एक नए वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सी बीस्ट, बहुत ही अच्छी बाइक जिसका नाम है BMW। तो भाई ये देखो, BMW की 1250 GS ट्रिपल ब्लैक कलर है, जिसका आप लोग देख पा रहोगे कि भाई देखने में ही कितनी सॉलिड लग रही है, कि इतनी अमेजिंग लग रही है भाई। ये देखो लुक, मतलब इसका इंजन 1250 सीसी का जो है वो काफ़ी कूल लग रहा है। मतलब यार, एक हर बाइकर का एक सपना होता है कि वो ऐसी सुपर बाइक लेके, खासकर हमारे जैसे जो ट्रैवलर होते हैं वो सोचते हैं कि चलो यार बाइक लेके, मतलब बाइकिंग का शौक़ है तो हर बंदा चाहता है कि ऐसी सुपर बाइक उसके पास हो, खुद भी और दूसरों को भी देखने में मज़ा आए और चलाने में भी मज़ा आए। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं, और भाई साहब की ये बाइक है हमारे राहुल भाई साहब, हम आपको उनसे मिलवाते हैं और इसका जो रिव्यू है, इसकी जो प्राइसिंग है, क्या फीचर्स हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलो आपको राहुल भाई से मिलाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे राहुल भाई, हेलो राहुल भाई, कैसे हो आप? तो ये आपकी जो बाइक है, आप अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इसकी प्राइसिंग, फीचर्स, या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दीजिए तो हमारे व्यूअर्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग से ही। लोग मतलब BMW का नाम सुनते अलग से चेहरे पे खुशी आती है। बाकी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या है आप कुछ बताइए? सबसे पहले इंजन, इंजन जो इसका बॉक्सर इंजन है, 2023 में इसको 100 साल हो चुके हैं। अच्छा, इस इंजन को 100 साल हो गए, क्या बात है भाई। तो 100 साल पुराना इंजन देख लो भाई, इंजन मतलब बाइक से बाहर आ रहा है इंजन, इसे कहते हैं पावर। और ये मतलब कितने सिलेंडर पे है ये आपकी? 2 सिलेंडर में आएगी, 2 सिलेंडर में। हाँ, इसके जो पिस्टन है वो आपके लेफ्ट राइट चलते हैं। अच्छा, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन चलते हैं। हाँ, लेफ्ट राइट चलते हैं। ओके। एंड आपके जो इसका टॉर्क आएगा 143 टॉर्क है, 134 bhp आता है। इन बाइक में टॉर्क ज्यादा आता है, टॉर्क ज्यादा आता है क्योंकि एडवेंचर्स बाइक है, तो ऑफ रोडिंग भी करती है, तो इनको टॉर्क और पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए। एंड इसमें आपका कैम शाफ्ट आता है। अच्छा, कैम शाफ्ट नहीं आती इसमें। ओके भाई, ये देखो इसमें चैन कहीं नहीं आती है। ये मतलब बाकी बाइकों में आज तक आपने देखा होगा कि चैन का काम बहुत होता है, इसमें शाफ्ट है भाई, कोई चैन नहीं है। तो ये देखो भाई, बाकी इसमें जो चैन सिस्टम है और इसकी पावर की तो बात ही किया जाए, 1250 cc में आप चलता फिरता भाई एक बीस्ट है। मतलब इसको चलाने पे मैं अभी टेस्ट ड्राइव लूँगा, एक्सपीरियंस देखूँगा कि कैसा है कैसा नहीं है। बाकी भाई आप मतलब आप तो चलाते रहते हो, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा, बाइक के बाद कुछ है ही नहीं। इसके बाद हाँ, एडवेंचर में इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो भाई टायर देखो, पीछे टायर आता है इसका, ये 17 इंच का और काफ़ी मोटा टायर है ऑफ रोडिंग वाला। फ्रंट का जो इसका टायर आएगा वो आएगा आपका 19 इंच का। और इसमें जो ABS सिस्टम है वो डुअल चैनल है, जो कि ऑफ होता है, ऑफ होता है, ऑफ भी कर सकते, क्योंकि मोस्ट बाइक्स में क्या होता है ऑफ नहीं कर सकते आप। इसमें आप जो है डुअल चैनल सिस्टम ABS जो ब्रेकिंग सिस्टम बनाया गया है वो काफ़ी अच्छा है, ताकि आपको चलाने में इसमें कोई मोड वगैरह भी डिफरेंस है। सेवन राइडिंग मोड्स आते हैं, रेन, रोड, डायनेमिक, डायनेमिक प्रो, एंड्यूरो, एंड्यूरो प्रो, इको एंड इको प्रो। तो जैसी वेदर, जैसा रोड, वैसे उस हिसाब से मोड चेंज करके आप इसे चला सकते हो। क्रूज कंट्रोल आता है इसमें, क्रूज कंट्रोल भी है, क्रूज कंट्रोल आता है। इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो। ओके। एंड आपको हीटेड सीट्स आती है इसके अंदर, अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो आप तो, अगर हीट कर रही है तो उसे कूलिंग सिस्टम कह सकते हैं, हीट सीट्स। अच्छा, ठंड के टाइम पे अगर आप जा रहे हो, ठंडी में, तो उसे हीट कर सकते हो। हीटेड ग्रिप्स भी आती है इसमें। ओके। आपने ग्लव्स वेयर नहीं किया या कुछ, ज्यादा ठंड लग रही है इसमें, ग्लव्स वेयर करके आप हीट, वो हीट, हां हां। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिक है भाई। हेडलाइट देखो इसकी ऑटोमेटिक है इसकी। ये देखो भाई, ये है LED। और ये देखो भाई लाइट, मतलब यार जब ये चलती है ना तो इसको ही देख के अलग सा ही दिल खुश हो जाता है कि भाई पता चल जाता है BMW आ रही है। और ये ट्रिपल ब्लैक कलर में है, विच इज़ वन ऑफ द यूनिक पार्ट, की देखने में भी जो इसका लुक आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बाइक्स में मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट इसमें आपको एडवांटेज ये है कि आपको सस्पेंशन भी थोड़ा छोटा ऊपर नीचे कर सकते हैं, सीट का भी काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर है और काफ़ी कूल फीचर्स आए हुए हैं इसमें। बाकी अब इसको जो है हम थोड़ा सा चला के देखते हैं कि कैसा जो है इसका खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे लिए भी पहली राइड होगी, और क्या इसका पिकअप है, कैसा है, वो सारा मैं आपको रिव्यू में बताता हूँ। तो चलते हैं इसकी टेस्ट राइड लेने। चलो जय भोड़े की। ओ भाई साहब क्या बात है, मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है हाथी पे बैठ चुका हूँ मैं। ओह भाई क्या मज़ा आ रहा है, बाइक सच में बीस्ट है भाई।
मतलब एक सेकंड में भाई क्या थ्रॉट है इसका, मतलब अगर इसे भगाने आए तो 120 130 आराम से भाग जाएगी। क्या मतलब इसका जो TFT लगा हुआ है वो बहुत ही प्यारा लगा हुआ है भाई, देखने में ही मज़ा आ रहा है। मतलब BMW ऐसे नहीं बोलते हैं इसको कि भाई, ओह लिटरली इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो भाई साहब हमने ली इसकी टेस्ट ड्राइव और लिटरली बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने टेस्ट ड्राइव ली, साथ में ड्रोन उड़ा रहा था पर उसके सेंसर ऑफ करने के चक्कर में वो पीछे फॉलो नहीं कर पाया उतना। बट यार लिटरली मतलब एक टाइम पे तो मेरे हाथ कांप गए थे, जिस हिसाब से इसका तीसरे गियर में भी पिकअप ऐसा था जैसे कि हम फर्स्ट गियर में बाइक चलाते हैं ना तो वो स्टॉपी व्हीली लग जाती है, उस तरीके का इतना अच्छा थ्रॉटल, इतना अच्छा पिकअप ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा। जब आप 24 लाख 25 लाख रुपए लगाओगे तो पिकअप तो बनता ही है। लेकिन यार 25 लाख रुपए में मतलब बहुत सारी बाइक्स आती है, बहुत सारी एडवेंचर्स बाइक आती हैं, लेकिन BMW की ये बाइक भाई वन ऑफ द बेस्ट वर्जन, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रैवलर्स हैं, उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग देखते हो, मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, और जो इसकी टेस्ट ड्राइव रही है वो भी काफ़ी अच्छी रही है भाई, आई लव इट, मज़ा आ गया। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो यार सारे जितने भी बाइक राइडर्स हैं, BMW के शौकीन हैं और बाइक राइडिंग करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ड्राइव लेने के लिए BMW शोरूम में विजिट भी कर सकते हैं। बाकी जैसा भी हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो गाइस लीव ड्रॉप कमेंट्स, और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।